नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आइए रुख करते हैं ग्लोबल इंडिया टीवी पर देश प्रदेश की उन तमाम खबरों पर जो बनी आज की सुर्खियां। विधायक भंवर सिंह शेखावत द्वारा विधायक निधि स्वेच्छा अनुदान अंतर्गत राशि रुपए 41,30,000 रुपए किच्चक विधानसभा क्षेत्र बदनावर अंतर्गत निवासरत दिव्यांग शिक्षा सहायता तथा चिकित्सकीय सहायता हेतु हितग्राहियों को विधायक कार्यालय बदनावर पर वितरित किए गए। उक्त अवसर कमल सिंह पटेल, कानवन रमेश देवखेड़ा, निरंजन सिंह पवार, पीटगारा हेमंत मोदी, बदनावर नगर अध्यक्ष मुकेश होती, सुरेश पटेल, मोहन जाट, नागदा नितिन सांकला, नागदा राजेश राठौर, सादलपुर पंकज लोधा, बड़ोता खुर्द प्रतिरोष सिंह राठौर, काछी बड़ोदा महेंद्र सिंह, सिलोदा खुर्द नीलेश चौधरी, छौकुर्द संजय भूरिया, बोर झड़ी जितेंद्र जोश, उमेश पाटीदार, विनोद राजपुरोहित, हरीश मागलिया, दिलीप निनामा, मनोहर मकवाना, के बी पटेल, जलो दखेता, सोनू जाट, सेमलिया देवा, अरड़ राजेंद्र जाट, बदनावर सहित जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक तथा बड़ी संख्या में हितग्राही उपस्थित थे। जानकारी विधायक ने सहायक द्वारा दी गई। आगे क्या कुछ कहा अभी सुनिए ग्लोबल इंडिया टीवी पर। आज का कार्यक्रम बदनावर के उन गरीब महानुभावों को आमंत्रित किया गया है कांग्रेस कार्यालय पर। विधायक सहायता निधि जो निधि होती है उसमें 45,00,000 रुपए के चेक आज वितरित किए गए। 45,00,000 रुपए की राशि गरीब, तुर्बे, अपंग और जो भी आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उन सबको आज विधायक राशि हमने वितरित की है और आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेगा। लगभग कितने सदस्यों को राशि वितरित की गई है? अभी कम से कम 700 सदस्यों के नाम आए हैं और जिनके नाम आते जा रहे हैं उनको भी दिया जाएगा। अगला कार्यक्रम 20 तारीख बुधवार को रखा है आपने, उस दिन भी इतनी राशि वितरित की जाएगी। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए संवाददाता बदनावर से रोधा शिवशंकर इंगनोदिया की रिपोर्ट।